और इस वक्त की एक बड़ी खबर, पूर्व कांग्रेस के नेता, हरियाणा के पूर्व सांसद, सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर की तस्वीरें, कांग्रेस के नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन अब टीएमसी में शामिल हो चुके हैं अशोक तंवर, उनकी पत्नी अवंतिका तंवर भी वहां पर मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं ममता बनर्जी, वो भी सुनते हैं। आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों के पास एक कहने के लिए आई हूं, आप देख रहे हैं अकेला नहीं है, टीएमसी में शामिल हुए हैं अशोक तंवर, चलना है सबको लेके चलना है। उन्होंने ही हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मीट कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ आप लोग। अच्छा, आप लोग वापस जाने के बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने का बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे और घूमने का बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है, तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है, दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मेहनत से, इतना दूर से आई हुई है और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है, तो देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। ये फैसला को हम नमस्ते कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ, हम सत श्री अकाल जी कहती हूँ, हम सलामत का साथी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी की मौजूदगी में और उनके सामने अशोक तंवर ने टीएमसी का दामन थामा है और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो जल्द ही हरियाणा भी आएंगी। अशोक तंवर के साथ उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और ममता बनर्जी का कहना है कि अब बीजेपी को हराने के लिए वो एकजुट होकर काम करेंगी, उनसे ज्यादा दूर नहीं, उनके घर से ज्यादा दूर नहीं है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, टीएमसी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं अशोक तंवर। और अब उन्होंने, सुबह से ही ये चर्चा चल रही थी कि अशोक तंवर टीएमसी में शामिल होंगे। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन अब अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस के लिए हरियाणा में क्या कर पाएंगे, क्या अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को मजबूत कर पाएंगे, वापस ला पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि टीएमसी को ही उन्होंने क्यों चुना और उसका क्या भविष्य यहां पर हरियाणा में या दूसरे स्टेट्स में नजर आ रहा है। और एक तरीके से यह भी बात है कि यह सब कुछ तैयारी ममता बनर्जी की तरफ से 2024 की है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं में ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी है, उस तरह से किसी भी विपक्षी नेता ने चुनौती नहीं दी है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे, ममता बनर्जी की मौजूदगी में अशोक तंवर ने टीएमसी का दामन थामा है। इवन उनका पिताजी जो बांग्लादेश वॉर में भाग लिया था, उनका पत्नी, उनका परिवार का सब, हमारा जो आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों के पास एक कहने के लिए आई हुई है कि अशोक तंवर अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उन्होंने ही हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मीट कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ आप लोग। अच्छा, आप लोग वापस जाने का बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं।
आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने का बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे और घूमने का बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अहंकारी नेतृत्व और सरकार से वो किस तरीके से दुखी है, ये आप अपने अपने अगर दो मिनट का, दो सेकंड का भी अगर वो आत्मा के अंदर झांक के देखें तो आपको स्वतः जवाब उसमें मिल जाएगा। ऐसे में देश में जब हम चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखते हैं, क्योंकि पिछले 27-28 साल से हमने छात्र राजनीति से लेकर के, और आप सबको मालूम भी है कि जनसेवा और देश सेवा में सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन दिया, और इसमें बहुत कुछ देखने का, सीखने का वो भी मौका मिला, इस देश को समझने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके के हालात उसके बाद बने, मुझे लगता है कि आज अगर एकमात्र कोई नेतृत्व इस देश के अंदर है तो वो ममता दीदी हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी पिछले कुछ महीने पहले बंगाल के चुनाव में मजबूत शिकस्त दी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे किसान, मजदूर, गरीब, इस देश का नौजवान बेरोजगार है, तमाम समस्याएं हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसे में जैसे किसानों ने इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया और वो मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि सारे किसान संगठन, सारे किसान नेता और साधारण जो किसान मजदूर हैं, उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। हालांकि ये सरकार